हेलो। जैसे सर मैंने महाभारत देखी, जैसे आप बता रहे शूद्रों की स्थिति कैसी होती है, जैसे हमने शूद्रों उसका थोड़ा उदाहरण दिया। की स्थिति जो है बहुत भयानक रही है इस देश में। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ तालाब का आंदोलन किया। जी अब इस देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि महाड़ तालाब का जो आंदोलन था वो क्या था। महाड़ तालाब का आंदोलन ये था कि जो शूद्र यानी अति शूद्र कहे जाने वाले जो लोग थे जी वे मनुष्य ही थे, इंसान थे, लेकिन उनको जो है उस तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिससे कि कुत्ते बिल्ली भी पानी पी सकते थे। ठीक जी है, तो ये जो मनुष्यता का जो स्तर है वो हिंदू धर्म ने जो है इस स्तर तक नीचे गिरा दिया था कि मनुष्य को मनुष्य कहने में भी शर्म आती थी। मनुष्य को छू नहीं सकते थे, मनुष्य को देख नहीं सकते थे, मनुष्य की परछाई से गुजर नहीं सकते थे। इतना निकृष्टतम जो है उसको स्थिति में पहुंचा देता था। ठीक है, अब एक तो ये हुई शूद्र समाज की स्थिति जो है, उसके अलावा महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। वो अपनी इच्छा शादी करती थी। अगर उन्हें कोई लड़कियों को कोई लड़का पसंद है या फिर कोई लड़का पसंद नहीं है, तो उसमें इस मामले में उनकी किसी भी इच्छा का कोई सम्मान नहीं था। उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे सर आप जैसे आप जो ये बता रहे हो, जैसे मैंने महाभारत देखी, जैसे महाभारत में जो मतलब आपने देखा होगा, जैसे अंगराज कर्ण थे, और अंगराज कर्ण तो मतलब ये तो आप भी जानते हो सूर्यपुत्र थे। अजी, सूर्य पुत्र होने का मतलब पता है आपको? सर मेरी बात तो सुनिए, जैसे मैं देखा हूँ, मैं बता नहीं दे जैसे बता रहा नहीं, हूँ वो आपको। कथा कहानी के हिसाब से बोल रहे हो तो हम मान लेंगे कि हाँ कथा नहीं कहानी में ऐसा लिखा है, लेकिन आप कहोगे सूर्य पुत्र तो नहीं मानेंगे। जैसे सर मेरी बात नहीं समझे, जैसे एक लिखी भाई मैं भी बता रहा हूँ, तो जैसे वो मतलब गंगा जी में बहा दिया, सूर्यपुत्र ने मतलब सूत के घर में ले, तो उन्हें आपने देखा होगा धनुष विद्या तक सीखने का अधिकार नहीं था, ऐसा है सर? अब आपके सामने है, आपकी कहानी है। ये तो वही मैं बता रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं जो आपको जो है उन, कुछ और बता रहा था लेकिन आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो तो सर आप बताइए, अब मैं अपना नहीं बोलूंगा। महिलाओं को जो है उनकी कोई इच्छा का कोई सम्मान नहीं था। ठीक है, महिलाएं विधवा हो जाती थीं। पहले आपको पता होगा कि पहले जो है जो शादी ब्याह होते थे वो बचपन में आते थे, जी हाँ बचपन में जाते और बचपन में ही अगर उसका कोई पति मर गया है, मतलब पति मर गया है तो उसके बाद विधवा हो गई। वो तो विधवा होने के बाद चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम है, उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। पता है ना आपको? हाँ सर मैंने देखा है, मतलब पुरानी मैं कभी मूवी नहीं हाँ, देखता हूँ। सुन लीजिए, शादी करने का दूसरी अधिकार नहीं था। दूसरा, जो विधवाएं हो जाती थीं उनके समाज में एक विशेष स्थिति पैदा होती थी। उनके सर मुड़ाकर सफेद कपड़ों में उनको एक तरह से इस तरह दबा के रखा जाता था। और अधिकतर आपने देखा होगा एक प्रथा थी, सती प्रथा, कि बोलिए सर। पति अगर मर गया है तो पति की चिता के साथ में उनको जिंदा जला देता था, हाँ सती जी है ना। तो ये सब जो बुरी व्यवस्थाएं थी हिंदू धर्म की, जो है हिंदू धर्म ने शूद्रों को और नारियों को इतना अपमानित कर रखा था, उनका जीवन इतना घिनौना बना दिया था कि वे लोग जो है जन्म लेने के बाद जब जीवन जीने की सोचते थे या जीवन जीने का प्रयत्न करते थे तो वो ये सोचने मजबूर होते थे कि वो जीवन उनको मिला ही क्यों, वे मर क्यों नहीं गए, पैदा जी होते ही क्यों नहीं मर गए, वे अब भी क्यों नहीं जैसा मर जाते। सुनिए, जी और आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति में महिलाएं किसी से जी दबती नहीं है। जी ठीक है, महिलाओं को किसी भी अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। किसी को भी शूद्र होने के आधार पर, किसी भी जाति का होने के आधार पर कोई भी किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, और उन सभी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है भारत का संविधान। जी और जिस संविधान को रचा परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, जी अब इतनी सी बात नहीं खत्म हो जाती यहाँ से जो है कि संविधान रचा गया उसमें अधिकार लिखे गए, जी लेकिन उसके अंदर जो अधिकार रखे गए, जो इन वर्गों के लिए जो अधिकारों का जो वहां पे सुनिश्चितकरण किया गया, उसके जी लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा और हाँ सर किन लोगों से संघर्ष करना पड़ा, वे कौन लोग थे जो इन अधिकारों का विरोध कर रहे थे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे बाबा साहब की, जैसे मैंने, जैसे मेरे पास कोई किताब वगैरह नहीं है, जैसे मैं यूट्यूब फेसबुक पे मतलब गूगल वूगल खोलना, बाबा साहब जो पहले थे तो इन्होंने पहले जैसे मुस्लिम धर्म अपनाना चाहा, लेकिन उसमें भी मतलब
उन्हें मिस्टेक लगी, देखिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाना चाहा। देखिए अतुल यादव जी, अतुल यादव जी आप लोग ठीक कह रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति जो है कभी भी कोई काम करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से जांच करता है कि उसके काम के परिणाम क्या होंगे जी। और जो व्यक्ति किसी भी काम के परिणामों की जांच किए बगैर उस काम को करने लग जाता है तो उसके परिणाम जो है कुछ भी परिणाम दे सकते हैं, अच्छा भी दे सकते हैं और बुरा भी दे सकते हैं, ठीक है। इस संसार में बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उनके धर्म परिवर्तन का क्या इफेक्ट हुआ? क्या उनके धर्म परिवर्तन से उनकी दिशा सुधर गई? क्या उनके समाज की जो दशा थी वो सुधर गई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से एक आदमी पीएचडी करता है, पीएचडी में कोई उसका विषय लेता है, उसके लिए वो एक साइंटिफिक तरीके से एक रिसर्च करता है, एक रिसर्च मेथड को अपनाता है, उस रिसर्च मेथड को अपनाकर जो है वो एक निष्कर्ष तक पहुंचता है और जो उसके निष्कर्ष होते हैं वो दुनिया के लिए जो है उपलब्ध होते हैं, दुनिया के लिए लाभदायक होते हैं। उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने से पहले बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ठीक है ना। उन्होंने पहले ईसाई बनने की सोची, मुसलमान बनने की सोची, ये सोची नहीं, हमने मतलब उन्हें अपनाना चाहा, लेकिन उनमें भी उन्हें बहुत मतलब दो धर्मों का लगा। उन्होंने पहले सनातन धर्म में ही अपनाया, फिर उन्हें बौद्ध धर्म उन्हें अच्छा लगा, मतलब किसी भी धर्म का सम्मान वो नहीं था। मैं आपसे जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूजा क्यों करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए, मैं इस विषय पर था जो कि बीच में थोड़ा अटक गई बात। अटक गया हमारे सर, यही पूछना चाहता हूँ, यही लिए मैंने आपसे कॉल भी की। तो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन लोगों के लिए काम किया, यानी कि इस देश की किसी भी महिला के लिए और इस देश के पूरे शूद्र समाज के लिए वो काम किया है, वो अधिकार दिलाए हैं जिससे कि उनके घर में उनकी मूर्ति होनी चाहिए, उनकी तस्वीरें होनी चाहिए और उसकी जो है उनको पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने का अर्थ जो है खाली फूल मालाओं और धूपबत्ती से नहीं होता है, बल्कि उनके लिए जो दिशा निर्देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जो उनको बातें बताई हैं कि कैसे उनका कल्याण होता है, उन बातों पर चलकर उनका कल्याण होता है, उसी में उनकी पूजा है, ठीक है ना। हाँ जी सर, चलो फिर नेक्स्ट टाइम बात करें, आज के तो टॉपिक खत्म हो गया। नहीं सर एक मिनट, यहाँ तक तो मेरे बात समझ में आ गई अच्छी बात, लेकिन जैसे आप लोगों से मैंने कई ऐसा सुना जैसे आदमों को शुद्ध बताते हो, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहते सर? क्या चीज? जैसे यादव जाट गुजर ये तो आप भी जानते सर, एक बड़े शब्द में आते हैं ये जो यादव हैं जी, शूद्र हैं, यादव हैं, क्या नाम के जाट हैं, गुर्जर हैं, ये सब जो है ना किस में आते हुए अलग मैटर है जी। लेकिन ये लोग जो हैं भोले भाले लोग हैं पहली बात तो जी। दूसरा जो मुख्य समाज की धारा से कटे हुए लोग हैं जो कि सभ्यता से लगभग दूर रहे हैं। जैसे राजकुमार सर का आपने नाम सुना होगा, राजकुमार यादव, वो आप महेश को बाप क्यों बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण को शूद्र या बलात्कारी क्यों बताते हैं, ऐसा बात क्यों है? देखो जो बात राजकुमार यादव ने बताई है उस बात की चर्चा अगर आप राजकुमार यादव से करेंगे तो वो अच्छे से समझा पाएंगे आपको। राजकुमार सर से तो मेरी बात हो नहीं सकती, मेरे पास उनका कोई मतलब कोई कंटेंट है नहीं। प्रयत्न कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा सर उनसे, मतलब प्रयत्न आपका तो खैर इसमें नंबर पड़ा था इसलिए मैंने कॉल कर ली। कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा सर, अगर आप मतलब अगर नंबर दे दो तो सर आपके ज्यादा। चलो मैं प्रयास करूंगा, मुझसे नेक्स्ट टाइम बात करो तो मैं खुद से मैं आपको लेके दे दूंगा, ठीक है ना। तो सर मैं कल आपको कॉल करूं? कल कॉल कर लूँ, ठीक है। मैं सर इसलिए नहीं कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ, कृष्ण को बलात्कारी बता रहे, महेश को बाप क्यों बता रहे हैं? देखो मैं यही बता रहा था कि गुर्जर जाट यादव जो है समाज, जो है समाज की मुख्य धारा से सभ्यता से दूर रहे, उनको जंगलों में जीवन जीना पड़ा, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनका जो जंगलीपन जो था उनके अंदर जो है, जिसे वो मतलब कहें कि वो संस्कार वो चीजें उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाई जिसके कि वो हकदार थे। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके ऊपर जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी रिसर्च है। सही है सर, ये आदमियों को तो ऐसे बार ये आदमियों ने किसी की गुलामी करनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जानवर चुंगाना पसंद किया है। ये मेरे बात को समझ में आती है। देखिए हम लोग है ना बिना बात की बातों में जो है गौरव अनुभव करें वो ठीक नहीं है। हम भारत के लोग हैं और हमारे लिए जो गौरव करने वाली बातें हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।
इसीलिए तो हर हर एक हर एक राष्ट्रीय बात जो सबके लिए समान रूप से लागू हो उस पर गौरव अनुभव करना चाहिए। अगर मैं बाबा साहेब हाँ अगर मैं बाबा साहेब बात कर रहा हूँ तो बाबा साहेब को भी उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उनको भी राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। उन्हें मैं बिल्कुल देता हूँ राष्ट्र मतलब मान रहा हूँ, लेकिन सर मैं इस बात पे नहीं मानूंगा कि मैं यार भगवान श्री कृष्ण को भूल जाऊँ, राम को भूल जाऊँ, ऐसा बदभाव धर्म अपना लूँ। देखो जी मैं तो आपको कह नहीं सकता कि आप भूलो मत भूलो, मैं तो ये दास्ता हूँ कि कृष्ण जी में, राम जी में और बुद्ध में क्या डिफरेंस है, मैं तो डिफरेंस दास्ता हूँ। उस डिफरेंस को सुनने के बाद अगर आपकी अकल इस बात चलती हो और सही और गलत का फैसला आप कर सकने की क्षमता रखते हो तो निर्णय आपके हाथ है। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म, और चाहे भगवान बुद्ध को अपना तब भी सनातन धर्म ही। अतुल यादव जी कितना पढ़े लिखे हो आप? सर मैं आपके सामने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपको। अगर मेरे सामने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो ऐसा मानते हो तो थोड़ा सा मतलब सुनकर जो है चीजों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। नहीं सर मैं समझा इसीलिए मैंने कहा आपने बाबा सनातन सनातन जो शब्द है उसका मतलब जो समझना चाहिए और फिर उसके आधार पे हमें उन बातों की जांच करनी चाहिए जिसको हम सनातन कहने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन का मतलब भाई बाबा साहब का कहना था कि सभी धर्म या जाति को। चलो ठीक है आप कल मुझे फोन करना दोबारा से, मैं फिर कल बात करता हूँ, ठीक है ना? जी जी ठीक ओके जय भीम।